Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at the lovely aquarium fish shop that is located at Rambagh in Kalyan West. ये सारे जो fish varieties आप देख रहे हो इनके पास ये इनका सारा recently arrived fish stock है जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ. यह है पहली फिश टैंक और इस फिश टैंक में हम देख सकते हैं कि एक फैंसी और एक्जॉटिक वैरायटी है. एंड हमारे साथ है इस फिश शॉप के ओनर जो हमें इनका नाम बताएंगे. ये जो है ये रांचू गोल्ड फिश है. अच्छा, इनको डोर्सल फिन नहीं रहती है. फिन नहीं रहता है. अच्छा, रेयर आती है ये. क्या साइज की है भाई आपके पास? ये अभी 2.5 to 3 इंच है. ओके, तो इस टैंक में है बेबी साइज की एक फिश वैरायटी. क्या नाम है इनका? ये जो है सिल्वर अरवाना है, स्मॉल साइज है, 3 इंच. ये सबसे छोटी साइज आती है इनकी? हाँ, ये सबसे स्मॉल साइज है जो अभी आ रही है रिसेंटली. अच्छा, ओके. तो अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ एक अरवाना फिश टैंक बनानी है तो अगर वो बेबी साइज यानी ये साइज लेता है तो कितनी कितनी वो रख सकता है अरवाना उसके अंदर? आप सिल्वर अरवाना तो ऑड इवन दोनों नंबर में रख सकते हैं. खाली एक्वेरियम आप वो हिसाब से बड़ा चूज करना पड़ेगा आपको अगर ज़्यादा रखना है. अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई 2 लेता है 3 लेता है तो 3 फीट का स्टार्टिंग में या 2 फीट का स्टार्टिंग में लेना चाहिए. अगर उस बाद में फिर आपको और बड़ा करना पड़ेगा. अच्छा, टैंक का साइज. तो इस टैंक में थर्ड फिश की वैरायटी क्या नाम है इनका? ये सब टोटल एंजल फिशेस है. एंजल फिशेस में आपको इसमें 3 से 4 वैरायटी की है. अच्छा, रेड आईज एंजल है जी, प्लैटिनम में. रेड कैप एंजल है, ये वाली रेड कैप. रेड कैप एंजल है. बाद में ब्लू एंजल है जो स्ट्राइप्स वाले है, ये ब्लू एंजल है. और डायमंड एंजल भी है जो ये वाली है. ये डायमंड एंजल वैसे 3 से 4 वैरायटी की है. प्लैटिनम भी है हमारे पास, वो भी दिखाएंगे आपको. और ये सब 2.5 inches to 3 inches, 3.5 inches ऐसा मिक्स साइज है. ये वाले हैं फिर प्लैटिनम? ये प्लैटिनम है. अच्छा, और ये इनकी बॉडी कैसे शाइन करती है? हाँ, ये मतलब इसको डायमंड नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन फुल वाइट दिखेगा आपको इसमें. ओके, और ये भी 2 inches, 2.5 inches मिक्स है. ओके, यह है बिग साइज के एंजल्स. क्या वैरायटी और क्या साइज है ये? ये भी रेड कैप एंजल है. अच्छा, और ये ऑलमोस्ट फुल साइज है, मतलब 3, 3.5, 4 इंच आप बोल सकते हैं. अच्छा, फुल साइज. मेल फीमेल भी है इसमें? मेल फीमेल हाँ रहेगा. ये जो है ये मेल रहेगा. ओके, और ये तो मेल्स में हम्प होता है या नहीं होता है? होता है, थोड़ा सा होता है. ओके, एक्चुअली एंजल्स में पेयरिंग एटोमेट आप मतलब 5-6 पीस या मतलब लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो मेल फीमेल है वो अपने पैर कुछ बन जाते हैं और एक साइड में हो जाते हैं. इस टैंक में है 6th एंजल फिश की वैरायटी. क्या नाम है इनका? इसमें आपको फर्स्ट जो है मार्बल है. अच्छा, मार्बल एंजल है. बाद में ये जो स्कार एंजल बोलते हैं इसको, ब्लैक और वाइट स्पॉटेड रहते हैं. और ये जो है रेयर आती है जेड ब्लैक एंजल. ये 7th वैरायटी है. जेड ब्लैक एंजल है, आप देख सकते हैं. अब हम आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट वैरायटी. क्या नाम है इनका? ये बेटा फिश है जो फाइटर भी बोला जाता है. अच्छा, ये डम्बो ईयर है, एलिफेंट ईयर भी बोलते हैं. डम्बो ईयर्स में क्या खासियत होती है बेटा फिश की? इसके जो ये फिंस आप देखेंगे, अच्छा, नॉर्मल के कंपैरेटिवली बड़े रहते हैं तो इसकी वजह से इसको एलिफेंट ईयर या डम्बो ईयर बोला जाता है. ओके, और इसमें मेल फीमेल फिलहाल अवेलेबल है. अच्छा, तो बता पाएंगे कुछ मेल कौन सी है फीमेल कौन सी है? ये अभी फीमेल है. अच्छा, और ये आप देख सकते हैं मेल है. ये वाली है मेल, और बैक साइड में जो है अभी वही होती है फीमेल. ये फीमेल है. तो मेल्स क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? हाँ, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. ओके, तो मैं ये पूरी टैंक दिखा देता हूँ. बीटा फिश की टैंक है, डम्बो ईयर बीटास. यह है नेक्स्ट बीटा फिश की वैरायटी. कौन से है बीटा इसमें? ये सब कैंडी बीटा है. ये नया स्टॉक है, बड़ी साइज है. अच्छा, आप देख सकते हैं और कलर भी काफ़ी आपको इस वजह से क्लियर दिखेगा. ओके, और एक कैंडी बीटा की हम पैटर्न अगर देखेंगे तो अलग अलग पैटर्न की है.
जी मेल काफी खूबसूरत है, ये वाला है मेल, फीमेल है, मेल फीमेल ये फीमेल है, मिल जाएंगे आपको। और भी है थोड़े, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑरेंज पैटर्न कम आएगा आपको। अच्छा, ये भी है, सब नया स्टॉक है, बड़ी साइज है। वाइट भी मेल है, इसमें भी प्लाकार्ट वैरायटी है। और बताना चाहूँगा, अच्छा, इसके पिन जो है नॉर्मल जो बेटा फिश है उससे शॉर्ट रहते हैं। ओके, सो ये वाली है एक बीटा फिश, क्या वैरायटी की बीटा है? हाफ मून बेटा है ये। ओके, और फिन्स इनके ज़्यादा बढ़ते नहीं है या ज़्यादा लंबे नहीं होते? नहीं, ये लॉन्ग फिन है। ओके, फिन बढ़ेंगे इसके काफ़ी अच्छा फिन। ओके, ये वाली है दूसरे कलर में हाफ मून, मल्टी कलर में हम देख सकते हैं इसको। तो ये कितनी साइज की है? ये भी अराउंड 4.5 सेंटीमीटर जो है। अच्छा, इतनी बड़ी है। ये है नेक्स्ट फाइड फिश, और इसकी भी हम लोग पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी अलग सी पैटर्न है। और एक यहाँ पे एक अगली फाइटर है, एंड यहाँ पे भी सो यहाँ पे एक नेक्स्ट बीटा फिश है, और ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, ऐसा क्यों? इसके जो है ब्लू जो है मेटालिक ब्लू है थोड़ा। अच्छा, वो काफी वो अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, और ये भी थोड़ा मीडियम साइज है। अच्छा, ये फुल मून है। यह है नेक्स्ट फिश वैरायटी, और इसका हम मुंह देख सकते हैं, काफी अलग सा है। हाफ बीक वैरायटी है ये। हाफ बीक वैरायटी, हाँ, प्लैटिनम हाफ बीक है, फुल व्हाइट कलर रहेगा, टाइनी फिश रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम सरफेस पे देख सकते हैं काफी सारे फिशेस है, नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ। एक से सवा इंच की है ये बढ़ते हैं साइज में? हाँ, अभी एक से सवा इंच की है और बढ़ेगी ये। अच्छा, डबल सिंगल साइज आपका। और किसके साथ रहती है ये? सब आपको फेट्रा में भी रहेगा ये जी, मोली में भी रहेगा। सेमी अग्रेसिव है? एग्रेसिव नहीं बोल, नहीं है, नॉन अग्रेसिव है, नॉन अग्रेसिव फिश है। ओके, सो इस टैंक में आप देख सकते हो कि एक ही वैरायटी की फिश है जो ग्लो कर रही है। कौन सी वैरायटी है ये? ये फ्लोरोसेंट डेनियो है, जेब्रा फिश जो बोलते हैं, फ्लोरोसेंट जेब्रा फिश। इसमें अच्छा, ग्रीन कलर का भी है और येलो कलर का भी है। ओके, इसके और ये फ्लोरोसेंट है, जैसे हम लोग ने एक वीडियो में आपको बताया था। जी 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 जी, ये अगर ब्लू लाइट आप लगाते हो तो अंधेरे में भी ये ग्लो होगी। अच्छा, काफ़ी सारे पीस है, अट्रैक्टिव दिखते हैं, मूवमेंट फास्ट रहता है। और ये क्या फिश टैंक मेट के साथ रहते हैं? ये कॉमनली टेट्रा वैरायटी है, मोली गप्पी। अच्छा, स्मॉल साइज पीसेस है। ओके, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी वैरायटी के साथ ये सूटेबल रहते हैं। राइट, एंजल्स के साथ भी रहेंगे, बाब में भी रहेंगे। अच्छा, काफ़ी वैरायटी में ये, और ईजी टू कीप फिश है। जी जी, बिगनर के लिए भी काफ़ी, मतलब हम लोग सजेस्ट करते हैं। अच्छा, अभी उनको लाइव डेफनिया कर आता है, वो फीड किया है। और ये क्या फूड होता है डेफनिया? बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। साइज का रहता है, जो बेबी फिश के लिए रहता है, या फिर टेट्रा वैरायटी जैसा माइक्रो पैलेट कैसा खिलाते हैं वो हिसाब से ये फाइन रहता है। आप देख सकते हैं दाने दाने जो दिख रहे हैं जी जी, वो लाइव डेफनिया है। काफ़ी फिश को खाना, मतलब वो टेट्रा वैरायटी को खाने के लिए काफ़ी पसंद रहता है वो। अच्छा, ये हम लोग के पास आता है, डेली आता है ये। ओके, रेगुलरली मिलता है। सो वी हैव एक्चुअली गॉट द शॉट्स ऑफ डेफनी, आप देख सकते हैं जो टाइनी टाइनी जो है वो डेफनी। और भी डाल के दिखाएं थोड़ा। ओके, और भी आपको डाल के थोड़ा क्लोजअप में दिखाएंगे। श्योर, सो अब हम इनकी और फीडिंग देखेंगे। तो आप ये बारीक बारीक देख सकते हो, दीज आर वर्म्स भाई। लाइव डेफनिया है ये, लाइव डेफनिया है ये, बारीक बारीक
स्पॉट ऐसा दिख रहे जी जी हैं। और सारे टूट पड़े उन डेफनियास के ऊपर विद इन सेकेंड्स डिसअपियर हो रहे हैं विद इन अ मिनट वो पूरे जी साफ हो साफ जाएंगे। हो जाएंगे ऑलराइट और काफ़ी हेल्दी रहता है फिश के लिए। ओके क्या ये प्रोटीन रिच फूड है? हाई प्रोटीन फूड है। ओके आपके शॉप में अवेलेबल है ये? रहता है। ये वाली फिश के ऊपर हम लोग देख सकते हैं एक ब्लैक लाइन है, कौन सी फिश है ये? ब्लैक और रेड भी लाइन है। अच्छा ये डायनाटोनिक बोलते हैं, डायनाटोनिक। ओके और इसको केरला फिश भी बोलते हैं। अच्छा मिस केरला फिश, केरला फिश तो काफी मतलब पॉपुलर है। प्लांटेड टैंक में काफी खूबसूरत कलर दिखाती है ये। अच्छा अभी ये जो है अराउंड 2.5 इंच की साइज है, स्मॉल साइज है, इससे भी बढ़ती है। साथ ही में आपको इसमें और एक फिश देखेंगे जो ग्लास के ऊपर चिपकती है, तो ये ऑटो सिंकलर फिश है। अच्छा प्लांटेड टैंक में मतलब काफी पॉपुलर फिश है जो अलगी खाता है। अच्छा। और ये किसी फिश को हार्म नहीं करेगा। ओके तो ये भी मतलब प्लांटेड टैंक के लिए आपको जो भी चाहिए एक्सेसरीज फिश सब हमारे पास मिल जाएगा। ओके इस फिश टैंक में कौन सी वैरायटी है? ये जो है गुरामी वैरायटी है। अच्छा और काफी मतलब अच्छी टाइनी साइज है ये, और ये ज़्यादा बढ़ती नहीं है। नॉर्मल जो मतलब गोल्डन गुरामी जो आती है, ब्लू गुरामी, उससे साइज में कंपेरेटिवली स्मॉल साइज रहता है ये। ओके इसमें आपको ये हनी गुरामी है। अच्छा और एक आएगा ड्राप गुरामी। ड्राप गुरामी सो दो वैरायटीज है इसके अंदर, हनी गुरामी एंड ड्राप गुरामी। तो ये अगली वैरायटी क्या नाम है इनका? ये रेड आई जैंट गुरामी है, स्मॉल साइज है ये, अराउंड 1.5 to 2 inches। ओके ये बेबी साइज है इनकी? बेबी साइज है, ये भी काफी बढ़ती है। रेड आईज इतने का बड़ा पीस था लेकिन वो सेल हो गया। अच्छा एक लास्ट वीडियो में कवर किया जी जी। सो ये है एक अरवाना फिश, पर कौन सा अरवाना है ये? ये अल्बिनो सिल्वर अरवाना है, मतलब जो सिल्वर अरवाना जो आता है जी जी। में अल्बिनो है, रेड आइज रहता है। ओके और काफी अट्रैक्टिव दिखता है, लोग काफी मतलब रखना पसंद करते हैं जी जी। कलर की वजह से। क्या साइज का है ये? ये अभी जो है अराउंड 11 इंच के करीब है, 10 से 11 इंच। इसमें छोटी साइज भी अभी तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मिलेगी आपको चाहिए। ये है एक मॉन्स्टर फिश टैंक, इसके अंदर कुछ एग्रेसिव वैरायटीज भी है और कुछ कॉमन वैरायटीज भी है। सबसे पहले हम इस लंबी फिश के ऊपर बात करेंगे, इसका क्या नाम है? ये मार्बल क्लेरियस कैटफिश वैरायटी है। साइज देख रहा हूँ काफी लंबी है, क्या साइज रहेगी इसकी? ये 15 इंच। अच्छा मोर देन अ फीट, 13 से 14 इंच। किसके साथ ये रह लेती है? ये सब जायंट फिश के साथ आप रख सकते हैं। ओके नॉर्मल गोल्ड फिश या स्मॉल साइज फिशेस के साथ हम लोग मतलब नहीं रखने को सजेस्ट करेंगे आपको। ओके देन ये वाली ऑस्कर है, ये टाइगर ऑस्कर है, अल्बिनो ऑस्कर है। लुक सही हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज साइज की है। कितनी साइज है इसकी? ये 6 inches है। अच्छा कौन सी वाली ऑस्कर है? ये टाइगर ऑस्कर है। ओके देन यहाँ पे जो नंबर्स में हम लोग फिश वैरायटी देख रहे हैं वो वाले कौन से हैं? ये अल्बिनो टाइगर शार्क है, रेड आइज में वाइट वाले हैं ये। इसमें छोटी भी साइज है, बड़ी भी साइज है। ओके और ब्लैक में भी है टाइगर शार्क, काफी बड़ी है जी। ये देखिए अच्छा ये वाली है। ओके इससे भी बड़ी है और अच्छा जो यहाँ पे गई एंड ये वाली जो नीचे चली गई वो ब्लैक में है, क्लेरियस क्लेरियस सॉरी कहीं वैरायटी। ओके ये वाली सबसे बड़ी शार्क है इसके अंदर, बड़ी शार्क है, कलर भी डार्क है और ये थोड़ी बड़ी साइज की सिकलिड है, 5 inches की। अच्छा सो इस फिश टैंक में एक वैरायटी है और इनकी डोर्सल फिन काफी लॉन्ग है, एकदम हाई है, क्या नाम है इनका? इसे एशियाटेक भी कहा जाता है। अच्छा हाई फिन शार्क भी बोला जाता है, तो काफ़ी नाम से ये मछली जानी जाती है। ओके और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। और ये अभी फिन की वजह क्या साइज की और कितनी अटेंड करती है मैक्सिमम साइज? ये तो ऑलमोस्ट हम लोग ने मतलब देखा हुआ है ये 10 से 12 इंच तक देखा हुआ है। अच्छा जो मतलब और अभी जो ये साइज है ये अराउंड 4 inches, 3.5 to 4 inches है जो बड़ा पीस देखते हैं, और छोटा वाला तो 3 inches बिलो है। और ये क्या क्या फिश टैंक मेट्स के साथ रह लेते हैं?
ये आपको मीडियम साइज फिश, सेमी एग्रेसिव जैसे डॉलर, बाब, इस टाइप का वैरायटी में हम लोग आपको रखने में रेकमेंड करेंगे। नॉन एग्रेसिव फिशेस के साथ मत रखिए, या फिर छोटा जो मतलब फिशेस है टेट्रा, ओके, उसके साथ मत रखिए। इस टैंक में है सिकलिट्स, कौन से सिकलिट्स? इसमें आपको ब्लू डॉल्फिन है, अच्छा, मलावी आई बीटर है, बनाना है जी, बाद में आपको स्ट्रॉबेरी अल्बिनो है इसमें, ओके, और ये भी आया हुआ है येलो कोडेंगो है, ये येलो कोडेंगो है, और ये रेड भी है यहाँ पे, हाँ आप देख सकते हैं जी जी, काफी अट्रैक्टिव कलर है। और ये वाले आपने बताए मलावी आई बीटर बोलते हैं इसे, अच्छा, ब्लू चैन रहता है एक्चुअली, ब्लू क्लोरोफेन ब्लू, अच्छा ओके, मीडियम साइज है 2.5 इंच, सिकलेट फिश की वैरायटी है, सिकलेट फिश की वैरायटी है। सो इनको जिवेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बॉडी के ऊपर स्पॉट्स है इनके, मेल को डार्क कलर रहता है कंपेयर टू फीमेल, जी जी ये मेल है। सो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश वैरायटी, और आप इनकी टेल देख सकते हो ग्लो कर रही है, क्या नाम है इनका? ये जे एंडलर वैरायटी है, जापानीज ब्लू एंडलर, जापानीज ब्लू एंडलर, ये इतने ही होते हैं साइज में कि बढ़ते हैं? और नहीं, नॉर्मल गप्पी से थोड़ा सा साइज में स्मॉल रहते हैं, अच्छा, और फिन्स भी आप देख सकते हैं तो अलग है, बटरफ्लाई टेल नहीं होते हैं जी जी, काफी अट्रैक्टिव कलर है ब्लू, अभी हम लोग का होम ब्रीड होने की वजह से ये अभी 150 पेयर हम लोग ने कर दिया है, अच्छा, ये आपका खुद का ब्रेड किया हुआ स्टॉक है, ये अगर लेंगे आपको तो ये दो मेल आपको 150 रुपीज में आ जाएंगे, ओके, 150 रुपए में एक पैर एक जोड़ी मिलेगी, मेल फीमेल, मेल फीमेल की जोड़ी, नहीं नहीं फीमेल हम लोग को रखनी है, अच्छा, ओनली मेल ही सेल करनी है, ओके, 150 आपको मेल फीमेल मिलेगी। ये है अगली गप्पी फिश की वैरायटी, क्या नाम है इनका? ये फुल ब्लैक गप्पी है, अच्छा, पूरा ब्लैक है, इसके ऊपर कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, फुल ब्लैक, ओके, तो इनमें जो ज्यादा डार्क है वो क्या मेल्स होते हैं? और जो हाफ ब्लैक और आगे मतलब डिफरेंट कलर दिख रहा है ऑफ व्हाइट वो फीमेल है, ओके, और ये मेल फीमेल मिल जाएंगे आपको, ये मेल फीमेल मिल जाएंगे, ये टक्सीडो कोई गप्पी है, अच्छा, इसमें भी आपको मेल फीमेल मिल जाएंगे, काफी अट्रैक्टिव दिखता है जी, इनकी टेल फिन और बाकी के फिन्स पूरे रेड कलर के हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो है उसकी वजह से काफी जी 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 जी। ये भी हमारी यहाँ ये ब्रीड हो रही है, तो टक्सीडो गप्पी भी आपने ब्रीड किया हुआ है, इस फिश टैंक में दो अलग अलग वैरायटीज दिख रहे हैं, कौन सी वाली है? सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अल्बिनो जेब्रा है, ये जो अभी फ्लोरोसेंट ग्रीन और येलो जो देखी, अच्छा, उसी में है ये अल्बिनो, ओके, ठीक है, साथ ही में ये नया वैरायटी जो आया है फ्लोरोसेंट वीडो टेट्रा, ये येलो कलर में भी मिलेगा आपको, अच्छा, और ये ग्रीन कलर में भी मिलेगा आपको, ये रिसेंट मतलब आना स्टार्ट हुआ है, ओके, तो नया वैरायटी, और ये भी ब्लू लाइट में ग्लो करेंगे, ओके, और उसके साथ में आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन वाला जो फिश दिख रहे हैं आप, ये हॉकी स्टिक है, पेंगुइन टेट्रा भी कहा जाता है इसे, अच्छा, उसके बाद में आपको इसमें कॉरिडोरा है अल्बिनो कॉरिडोरा, ओके, तो ये भी आप रख सकते हैं, जो भी नीचे में आपका एक्स्ट्रा वेस्ट फूड जाता है जी जी, और अगर अलग अलग जगह तो ये आपका टैंक मेंटेन करने के लिए जी जी आपको मदद करेंगे। ये है अगली फिश टैंक, इसके अंदर कौन सी वैरायटी पहली बताओगे आप? सबसे पहले मतलब आपको जो बताना चाहूंगा प्लेटी है ये, अच्छा, रेड कोरल प्लेटी बोलते हैं, अच्छा, आप इसके फिन्स और कलर जो है काफी अट्रैक्टिव है जी जी, और प्लेटी वैरायटी छोटी रहती है मोली से कंपैरेटिवली, अच्छा, मोली तरीके की दिखती है, अच्छा, तो काफी, और ये इम्पोर्टेड में आया हुआ है, अच्छा, इसकी क्वालिटी काफी सुपीरियर है, ओके, इसके साथ ही में आपको टेट्रा में ये टैंक में जो है अच्छे से स्कूलिंग करते हैं, एम्बर टेट्रा है, एम्बर टेट्रा रेड कलर रहता है, अच्छा, कलर के हिसाब से उसका नाम है एम्बर टेट्रा, साथ ही में ये टैंक में अमानो श्रिम्प भी है जो प्लांटेड टैंक में यूज होते हैं, अच्छा, अलगी क्लीनिंग क्रू बोलते हैं इसे, तो आप देख सकते हैं अभी भी वीडियो में आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली ये जो अलगी जो है स्कैवेंजर होते हैं, ये तो काफ़ी यूजफुल रहता है, प्लांटेड टैंक अगर आप रख रहे हैं तो ये श्रिम्प आप रखिए, ओके,
ये है येलो श्रिम्स, येलो में है, ये येलो टॉप लाइन मतलब उसका जो है ऊपर व्हाइट लाइन जो है देख सकते हैं आप। अच्छा, वो रहता है, तो वो एक वैरायटी मतलब आती है। अभी बैक में होने की वजह से थोड़ा सा कम पैटर्न दिख रहा है आपको। अच्छा, लेकिन काफी अट्रैक्टिव है और साइज भी अच्छी है जी जी। ये भी आप प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं। सो इस टैंक में भी अगली गप्पी फिश की वैरायटी हम लोग देख रहे हैं, अल्बिनो प्लैटिनम गप्पी है ये, अल्पाइनो प्लैटिनम गप्पी। अभी फिलहाल स्टॉक नहीं आ रहा, ये पहले का थोड़ा सा बचा हुआ स्टॉक है, अभी स्टॉक कम आ रहा है इसका। अच्छा, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ये टैंक में एक स्ट्रीम दिखाना चाहूँगा, रेड चेरी स्ट्रीम है। अच्छा, नीचे है, नीचे की तरफ है, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, फिल्टर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, आपको क्लीन दिखेगा, पीछे भी फिल्टर के ऊपर ऊपर है। तो ये भी प्लांटेड टैंक में आप रख सकते हैं। इसमें दो वैरायटी की फिशेस है। अच्छा, एक जो है ऑस्ट्रेलियन नियोन रेनबो, जो स्ट्राइप्स है जिनके ऊपर, ऑस्ट्रेलियन रेनबो है, और ये डैनियोज है। कौन से वाले डैनियोज है, ऊपर वाले? ये जो दिख रहे हैं। अच्छा, और ये जो जिसकी रेड फिन है ये रेनबो है। ओके, साथ ही में तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वैरायटी जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कौन सी वाली है? ये ग्लास फिश है, थाईलैंड ग्लास कैटफिश बोला जाता है। अच्छा, ये वैरायटी को आप देख सकते हैं, काफी मतलब खूबसूरत है, बोन्स इजीली देख सकते हैं इनके बॉडी पर। और इसी के साथ कौन सी वैरायटी है? ये हॉकी स्टिक है। इसमें और एक नया वैरायटी जो अभी मतलब अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं था, रमिनोस करके है, ये वैरायटी है गप्पी फिश की। हाल ही में स्टॉक आया हुआ है, अभी तक इसको टैंक में ऐड नहीं किया हुआ है, अभी तक करेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले आपको दिखाना चाहेंगे कुछ जी। ये रहा द नेक्स्ट फिश वैरायटीज, कौन से है इसके अंदर? ये रेनबो फिश है, बोस्मानिया रेनबो है, तो काफी अट्रैक्टिव कलर रहता है, आप देख सकते हैं। ये मेल जी, है जी। और अभी मीडियम साइज है ये, 2 inches अराउंड। तो अच्छा, और जैसे साइज होती है एडल्ट की जी, तो काफी अट्रैक्टिव कलर आता है, प्लांटेशन में आप डालिए तो काफी अट्रैक्टिव कलर। और इसमें अभी और एक वैरायटी है कोबाल्ट ब्लू, वो भी आपको दिखाऊंगा चाहूंगा। कौन सी वाली? और इसमें यहाँ पे नहीं है, दूसरे टैंक में। ओके, तो और इसमें अल्बिनो कॉरिडोर है और ग्रीन कॉरिडोर है पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं। ओके, इसमें कौन सी है भाई? ये जो है बोस्मानिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अनकॉमन है, काफी रेयर आती है। अच्छा, कोबाल्ट बोस्मानिया रेनबो है, या फिर ब्लू बोस्मानिया रेनबो भी बोलते हैं। ओके, और इसमें इसके साथ ही एक है कॉरिडोरा है, कॉरिडोरा है। अच्छा, और ब्लू बोस्मानिया आपको विदाउट लाइट मतलब ऑफ करके दिखाना चाहूंगा, कि उसकी ब्लू शाइनिंग अभी तो मीडियम साइज है और बढ़ेगी जरूर जी। तो अब हम देख सकते हैं इनकी जो ब्लू टिंज है, जो ब्लू शाइन है। हाँ, और अगर आप प्लांटेड टैंक में डालते हैं तो काफी अच्छा ब्लू, कोबाल्ट ब्लू जो है उसका कलर आता है, आप देख सकते हैं। और थोड़ी अभी ये अराउंड 2.5 इंचेस की साइज है, और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो काफी अच्छा कलर आ जाएगा। आप देख, फीमेल को इसमें कलर कम रहता है, मेल ब्राइटर रहता है कलर में। स्विस फिश टैंक में है कॉमन गोल्ड फिश, बट बॉडी में देख रहा हूँ थोड़ी सी लंबी है, क्या नाम है इनका? ये जो है कॉमन गोल्डफिश है, लेकिन इसका वेल टेल है और थोड़ा सा लॉन्ग है बॉडी। ओके, मैं दिखाना चाहूँगा बॉडी एज कम्पेयर टू कॉमन गोल्डफिश, अगर हम देखेंगे तो थोड़ी लॉन्ग है जी, शॉर्ट होती है, ये वाली लॉन्ग है इनके पास, अच्छी है ये काफी, और बड़ी साइज है ये, 4 inch की साइज है। इसी के अंदर ये चुलबुली वैरायटीज का नाम क्या है? ये शार्क है, रेड टेल शार्क बोलते हैं इसके। यहाँ पे है अगली गोल्डफिश वैरायटी इस टैंक में, ये सब वारंडा गोल्डफिश है। अच्छा, इसमें आप वाइट भी देख सकते हैं, ऑरेंज भी है। ओके, ये अराउंड अभी 3 inches साइज है, ये सारे इसके अंदर 3 inches के हैं। हाँ, 3 inches है। इस टैंक में है कौन सी फिश? ये सब कोई फिशेस है। अच्छा, कॉमन कोई है ये सब, इसमें वेंटेल भी है एक दो पीस और नॉर्मल भी है। सो हम लोग, और ये सब 5 inch के करीब की साइज है। अच्छा, तो बड़ी साइज है ये और काफी अच्छे कलर है जी जी। सो दिस वाज टुडेज वीडियो अबाउट द लवली एक्वेरियम फिश शॉप दैट इज लोकेटेड एट कल्याण वेस्ट। आपको इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन SJ Inceptions।
Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead.